Nikita and welcome back to my channel. So by the title of the video, आप लोगों को already पता है कि आज जो है skirts haul है. थोड़ा सा different type का haul है. Normally you know I do H&M, Zara and branded hauls. But आज मैं एक mixed haul कर रही हूँ because I own a lot of skirts. Now if you know a fact about me, मुझे skirts पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है because they're the most comfortable kind of outfit to go with. Airy, breezy, you know air circulation काफी अच्छा होता है skirts में. So मेरे पास काफ़ी सारी स्कर्ट्स हैं और काफ़ी डिफरेंट स्टाइल्स की हैं. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा बिकॉज आई विल बी शोइंग यू गाइज दैट हाउ एंड वॉट टाइप ऑफ स्कर्ट वुड बी वेरी गुड फॉर योर बॉडी टाइप. वैसे तो आई एम श्योर एवरी बॉडी टाइप कैन वेयर एनी काइंड ऑफ स्कर्ट्स, बट आई थिंक सम ऑफ द आइडियाज दैट आई गिव यू माइट बी हेल्पफुल. सो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग दिस वीडियो एंड ऑल्सो लेट मी नो योर सजेशंस इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. So the outfit number one that I want to talk about is a skirt that I'm actually wearing right now. And this is a skirt जो मेरे Instagram पे बहुत लोगों ने देखी भी होगी because I do post a lot of my photos wearing this skirt. And this skirt is actually from Sarojini Nagar. And this was for only 50 bucks. उनका जो sale वगैरह होता है, I think Monday को उनकी sale होती है. Where they wait, I'm just gonna put this here. And this is the skirt, guys. मुझे बहुत ज़्यादा cute लगती है ये skirt. It's like a high-waisted mini skirt. You can say like a high-waisted mini skirt, but it's not a tight-fitting wala. I don't really like wearing a lot of tight-fitted skirts. So ye perfect hai because it's airy. It's like I can jump around in this skirt. I can do whatever, and it's not as short. Ki agar main isko pehnungi to ye like you know bahut choti ho jayegi. So this one is perfect if you're someone like my body type. It literally makes me look a little taller also because I'm 5'1", 5'2". So jab main skirt pehnti hu, I kind of feel that I look taller in this skirt. So if you're more my body type, consider getting these kind of skirts, which are high waisted hain aur thodi puffy type ki hai, like you know they're not the tight fitting type, they're more like thoda loose fitting type ki skirt ho. Skirt that I want to talk about is another one of my favorite skirts. Ye hai from Shein. हाँ, ये शीन की है और ये मैंने बहुत साल पहले ली थी. इस पर प्रिंट, इट्स लाइक दिस रियली प्रिटी ग्रीन कलर एंड इट्स गॉट दिस वाइट फ्लावर्स ऑल ओवर इट. ठीक है, और इसकी बेस्ट पार्ट है कि इसमें ना स्लिट है. इट्स गॉट दिस ह्यूज, हाँ यहाँ पे इट्स गॉट दिस ह्यूज स्लिट. तो अगर आप इसको पहनोगे और यू नो लाइक इट जस्ट लुक्स वेरी वेरी नाइस. यू कैन ड्रेस इट अप एंड यू कैन ड्रेस इट डाउन. फॉर एग्जांपल मैं कुछ फोटोज अटैच करूंगी जिसमें मैंने इसको एक्चुअली कैजुअली पहना है विद आई थिंक ऐसा ही कुछ टैंक टॉप है एंड नीचे स्कर्ट है. तो इट लुक्स वेरी कैजुअल. हम लोग बैंकॉक में थे, आई थिंक हम पताया में थे, वी वर एट द बीच जस्ट चिलिंग. सो दिस स्कर्ट लुक्ड परफेक्ट एट दैट एम्बियंस. एंड अगर आपको इस स्कर्ट को थोड़ा ड्रेस अप करना है तो यू कैन ऑब्वियसली पेयर दिस अप विद हील और समथिंग लाइक दैट, यू नो, बिकॉज अगर आप हील्स के साथ इसको पहनोगे तो इट विल लुक इवन नाइसर. एक्चुअली आपको पहन के दिखाना चाहूंगी इसको. हाँ, सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक गाइज. एंड इसमें ये स्लिट है जो बहुत कूल लगता है. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये स्लिट वाली टाइप की स्कर्ट्स. अगर आप इसको ड्रेस अप करना चाहते हो तो यू कैन वेयर लाइक अ नाइस बैग विद इट. दिस इज़ अ टैन बैग फ्रॉम माइकल कोर्स. आप कोई भी टैन कलर का बैग ले सकते हो. यू कैन वेयर इट विद दैट एंड यू कैन वेयर हील्स विद इट. मेरे को ज़्यादा हील्स पहनना पसंद नहीं है इसलिए मैं हमेशा फ्लैट्स में ही घूमती हूँ एंड दैट्स व्हाट आई लाइक. बट इफ़ यू आर अ हील पर्सन तो आप हील्स भी डाल सकते हो इसके साथ. बट यू गाइस कैन सी द लुक, ये बहुत अच्छी लगती है. दिस कैन सूट एनी बॉडी टाइप. आई डोंट थिंक कि कोई स्पेसिफिक बॉडी टाइप पे ही अच्छी लगेगी ये स्कर्ट. इफ़ यू आर एनी बॉडी टाइप यू कैन कैरी दिस बिकॉज ये बिल्कुल टाइट फिटिंग नहीं है. दिस इज नॉट फाइट टाइट फिटिंग, दिस इज लूज ईजी ब्रीजी एंड दैट्स द काइंड ऑफ क्लोथ्स आई लाइक. सो एंड आई लव इसका जो स्लिट है ना, मतलब 10/10. आई रियली लाइक दिस. नेक्स्ट वन इज अ लिटिल ड्रेसी काइंड ऑफ स्कर्ट जो है ये वाली. इसको क्या प्रिंट बोलते हैं मुझे पता नहीं है. ये थोड़ा एनिमल प्रिंट टाइप की है. इट्स लाइक दिस रियली नाइस सैटर्न सॉर्ट ऑफ फैब्रिक है इसका. ये मुझे ऑनेस्टली बहुत टाइट है इसलिए मैं आई डोंट नो आई विल फिट इनटू दिस और नॉट, बट ये बहुत बहुत क्लासी लगती है. दिस इज थोड़ा लाइक अ डेट नाइट के लिए अगर आप जा रहे हो, यू नो इफ यू आर गोइंग फॉर अ नाइस डेट नाइट,
दिस स्कर्ट विल बी परफेक्ट. इसके साथ आप एक ब्लैक टॉप यूज कर सकते हो. यू कैन वेयर लाइक अ नाइस ब्लैक टॉप विद दिस स्कर्ट एंड इट विल बी परफेक्ट. और ये इट इज लॉन्गर इन लेंथ, मतलब ये लेंथ इसकी छोटी नहीं है, इट्स अ लिटिल लॉन्गर इन लेंथ, सो इट लुक्स परफेक्ट. लाइक लिटरली इट्स गोइंग टू लुक रियली रियली नाइस. एंड इसके साथ आप ब्लैक स्टिलेटो हील्स पहनोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा. लाइक लिटरली इट विल लुक रियली नाइस बिकॉज इट्स लाइक अ सैटर्न फैब्रिक. आई वुड सजेस्ट कि पीपल जिनका ये वाला एरिया थोड़ा सा मेरी तरह है तो वो मे बी यू नो डोंट हैव अ बिग मील बिफोर यू वेयर दिस ड्रेस बिकॉज इस एरिया में इट बिकम्स वेरी टाइट एंड देन बिकॉज ऑफ द फैब्रिक इट काइंड ऑफ शोज ऑल्सो. ठीक है, सो आई अवॉइड ईटिंग बिफोर और आफ्टर दिस वेरिंग दिस स्कर्ट बिकॉज थोड़ा सा ये सिचुएशन हो जाती है यहाँ पे. ठीक है, बट इट्स सो प्रिटी एंड एनी वन एंड एवरी वन कैन वेयर दिस. आप इसके साथ एक नाइस ब्लैक टॉप पहनो, इट विल लुक सो सो हॉट. हम विंटर टाइप स्कर्ट्स, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है विंटर स्कर्ट्स बिकॉज मैं विंटर्स में यू नो लेगिंग्स वगैरह के साथ और बूट्स के साथ आई लव वेयरिंग स्कर्ट्स. तो आई ऑनेस्टली लव विंटर वुलन टाइप ऑफ स्कर्ट्स. ये वाला प्रिंट बहुत ज़्यादा फेमस है. ठीक है, और मैंने बहुत लोगों को विंटर्स में ऐसे वाले यू नो प्रिंट्स पहने हुए देखा भी है. आई लव दिस प्रिंट, लाइक लुक एट दिस. ये शीन से है एंड दिस वॉज अराउंड 500 rupees. बहुत साल पहले ली थी तो मुझे लिंक वगैरह मत मांगना. और इट लुक्स सो स्टनिंग, लाइक ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है. एक्चुअली मैं पहन के दिखाती हूँ. नहीं था मुझे फिट आई बिकॉज ये बहुत साल पहले पुरानी थी और आई हैव काइंड ऑफ लॉस्ट थोड़ा सा वेट. आई डोंट नो हाउ बिकॉज आई एम ईटिंग लाइक एनीथिंग, बट हाँ. सो दिस इज दिस लुक्स सो सो स्टनिंग गाइस, लुक एट दिस. और ये प्रिंट जो है बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत सारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल भी है. तो आई विल ट्राई टू लिंक सिमिलर स्कर्ट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. So you guys can see कि this looks so nice and I am a short person. तो मेरे ऊपर ना like mini type skirts बहुत अच्छी लगती हैं. Like instead of wearing long skirts, I personally prefer wearing you know थोड़ा सा mini skirt, high waisted and mini skirts. मेरे body type और मेरी height पे I really like it. ठीक है, इसको I can definitely pair with you know my black stilettos from H&M. They will look stunning on this. Very difficult to shoot full length with my camera, but you know you're getting the vibe. Lagta hai looks very formal, looks very classy. And agar aap so casual karna chahte ho to you can wear you know a normal pair of chappals. Kisi bhi outfit ko casual bhi kar sakte ho, formal bhi kar sakte ho, depending on your footwear, depending on the kind of bag you want to carry. For example, pair this with this kind of a really nice बैग. इस बैग पे भी मुझे बहुत सारे DMs आते हैं कि कहाँ से लिया है. दिस एक्चुअली अ ड्यूप ऑफ अ डिज़ाइनर ब्रांड. मुझे बैग आई डिड नॉट नो दैट एंड आई बॉट इट ऑफ अली एक्सप्रेस बिकॉज आई जस्ट लाइक द शाइन. ये जो ब्लैक लेदर शाइन आई रियली लाइक्ड इट. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट वेयर दिस एंड हाँ इसके साथ यू कैन जस्ट वेयर नॉर्मल फ्लैट्स एंड इट गिव्स लाइक अ वेरी कैजुअल सॉर्ट ऑफ वाइब. ठीक है, यू कैन वेयर नॉर्मल फ्लैट्स विद इट एंड ये बहुत अच्छा लगेगा. ठीक है, so this is one of my favorite outfits and this is a woolen skirt. This is red and white and green checked skirt. ये मुझे actually gift मिली थी, so I don't know ये कहाँ से है, some random Italian designer का नाम है, but this was a gift. This is extremely tight for me, तो मैं इसको पहन के भी दिखा नहीं सकती हूँ आपको because इस like hip area से बहुत ज़्यादा tight है. But you get the idea. It's similar. It's just that it's in a red, white and green checks. जो बहुत क्यूट लगता है एंड आई थिंक परफेक्ट फॉर समथिंग लाइक क्रिसमस या फिर यू नो एनी काइंड ऑफ फेस्टिव सॉर्ट ऑफ ओकेजन के लिए बहुत अच्छी स्कर्ट है. सो इफ़ यू आर समवन हु लाइक्स वेयरिंग शॉर्ट स्कर्ट्स, ये दो ऑप्शंस बहुत क्यूट हैं. दोनों हाई वेस्टेड हैं. आई लव हाई वेस्टेड स्कर्ट्स बिकॉज दे जस्ट लिटरली मेक यू लुक टॉलर एंड लाइक मोर लाइक स्किनियर. आई थिंक स्कर्ट इज फ्रॉम शीन गाइज. अगेन बहुत साल पहले ली थी. मुझे ये पर्सनली स्कर्ट इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ द स्कर्ट. नाउ लाइक आई सेड आई एम अ शॉर्टर पर्सन. मेरी हाइट थोड़ी शॉर्ट है. आई एम 5'1", सो आई डोंट लाइक वेयरिंग एनीथिंग दैट इज़
you know, not either lower than my knees or not like way above my knees. Something that's in the middle, जो यहाँ वाला length होता है ना, it kind of makes me look shorter. That's what I think. ठीक है, and this skirt is exactly that length. So मुझे क्या करना पड़ता है ना, मुझे इसको बहुत ऊपर पहनना पड़ता है to make it look थोड़ा सा short. And when I wear it too high, तो it doesn't look very nice because ये इसका जो length, इसका जो waist है, comes exactly like somewhere here. ठीक है, so you guys can see कि already it makes me look थोड़ा सा shorter. It doesn't give a very flattering effect. So अगर आप skirts ले रहे हो and you are a shorter person, consider buying high-waisted skirts and a little this length types. ठीक है, not like this length. This length, like I feel, in my opinion, I feel like it makes you look like shorter. Again from Shein. मेरे पास बहुत कपड़े थे शीन के, मतलब मैं बहुत शॉपिंग करती थी शीन से, बट ओके एनीवेज. सो दिस इज़ अनदर वन फ्रॉम शीन. इसमें पोलका डॉट टाइप के प्रिंट्स हैं. इट लुक्स लाइक यू नो अगेन एनिमल प्रिंट टाइप का सीन है इसमें. और ये नी लेंथ से छोड़, लाइक इट्स बिलो माई नी लेंथ, सो परफेक्ट लेंथ अगेन. ठीक है, बट इसका फैब्रिक इतना घटिया फैब्रिक है. इसका फैब्रिक इज सो बैड, लाइक आई हेट द फैब्रिक ऑफ दिस आउटफिट. इट्स लिटरली लाइक पेपर, लाइक लिटरली अगर मैं इसको थोड़ा सा फाड़ूंगी ना, ये फट जाएगा. सो आई डोंट लाइक दिस स्कर्ट एंड मैं कभी भी इसको, आई डोंट थिंक मैं कहीं यू नो बाहर जहाँ पे मैं यू नो इधर उधर घूमने वाली हूँ, मैं ये स्कर्ट कभी नहीं पहनूंगी बिकॉज ये कभी भी फट सकती है. लिटरली दैट बैड ऑफ इन फैब्रिक. बट ये अच्छी लगती है इफ यू वेयर दिस यू नो विद लाइक अ नाइस लेस ब्लैक टॉप या ऐसा कुछ विद लाइक ब्लैक स्टिलेटोज, इट विल लुक सो नाइस. इसमें कोई भी यू नो स्लिट वगैरह नहीं है. इट्स अ बेसिक स्कर्ट एंड इट गिव्स लाइक यहाँ से टाइट फिनिश एंड देन इट काइंड ऑफ गोज यू नो लोअर एट द लाइक लेग एरिया. एक और स्कर्ट है जो मैंने सालों से संभाल के रखी हुई है, विच इज़ दिस वन. ये मैंने अपने आई थिंक 20th बर्थडे पे पहनी थी, बर्थडे पे पहनी थी मैंने 20th बर्थडे. एंड दिस वाज फ्रॉम प्रमोद, ब्रांड प्रमोद. वेरी वेरी हॉट. इस स्कर्ट को आप समर्स में नहीं पहन सकते हो. इट्स लाइक थिक वुलन स्कर्ट, अगेन हाई वेस्टेड है. इट लुक्स वेरी नाइस गाइस, लाइक लिटरली ये ट्रेंड जो था ना वो उस टाइम पे बहुत इन था, दिस काइंड ऑफ स्ट्राइप वाला ट्रेंड. यू नो ऐसी ड्रेसेस बहुत मिलती थी, ऐसी स्कर्ट्स मिलती थी, तो मैंने ये उस टाइम ली थी एंड ये बहुत बहुत अच्छी लगती है. लाइक स्टिल नाउ दिस टाइप ऑफ थिंग इज स्टिल इन फैशन एंड इट लुक्स रियली रियली नाइस. वेरी कम्फर्टेबल और बहुत स्ट्रेचेबल है. लाइक लिटरली दिस इज द वन थिंग दैट आई लव अबाउट वुलन स्कर्ट्स, इज दैट इट्स वेरी स्ट्रेचेबल. ठीक है, तो आप it's not like tight and you know you can't breathe, you can't eat your pasta and pizzas. You can do anything and everything with this kind of skirt because me upar elastic hai. So if you are like me, so khana peena bahut zyada pasand hai and you know aap bahar jaate ho sirf khane ke liye, to fir s type ka elastic type ki situation will be perfect because you can eat, you can sit, you can breathe properly. to matlab I think everyone's favorite skirt aur bahut logo ne mujhse pucha ye kahan se hai. to ye hai only brand ki skirt hai ye aur ye thodi mehengi bhi thi, but maine isko again like I said I buy everything on discount, so I bought this off like 70% off Myntra pe. एंड इसका लेंथ जो है बहुत लॉन्ग लेंथ है, मतलब एंकल तक आता है इसका. एंड ये देखो ये बहुत प्रिटी है. सो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू कि अगर एक तो वुलन टाइप की स्कर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लिट्स टाइप की स्कर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई वेस्टेड तो मतलब ले ही लो, और दीज काइंड ऑफ बोल्ड कलर स्कर्ट्स भी बहुत अच्छी लगती हैं. सो इफ यू आर समवन जिसको यू नो हु लाइक्स टू गो फॉर ब्रंचेस एंड लंचेस एंड स्टफ लाइक दैट, तो इस टाइप का कलर समरी यू नो येलो रेड लाइक यू नो like a yellow or a red pop of color type ki skirts are very very important and must have in your wardrobe. This ka jo fabric hai, it's like this suede velvet type of fabric, so bahut delicate fabric hai. Aise pani ya fir kuch bhi gir gaya to ye kharab ho jayegi, but I don't care, it looks so stunning. बहुत अच्छी लगती है ये स्कर्ट व्हेन यू वेयर इट. इट लुक्स, इट गिव्स लाइक अ वेरी क्लासी सॉर्ट ऑफ एलिगेंट वाइब. दिस इज एक्चुअली माय फेवरेट स्कर्ट. मैं हर स्कर्ट के बारे में बोलती हूँ, बट दिस इज एक्चुअली माय फेवरेट स्कर्ट. अगेन बहुत बड़ा स्लिट है इसमें, इट्स गॉट दिस ह्यूज स्लिट,
तो पूरी टांग दिख सकती है आपकी इसमें, एंड इट लुक्स सो नाइस. यू कैन एक्चुअली वेयर इट एज अ ड्रेस ऑल्सो. मैंने किसी लड़की को देखा था, शी वॉज वेयरिंग दिस एज अ ड्रेस, बहुत अच्छा लग रहा था. एंड अगेन इट्स गॉट दिस प्लीटेड सॉर्ट ऑफ डिजाइन जो मुझे बहुत पसंद है स्कर्ट्स में. प्लीटेड डिजाइन इज लाइक वेरी वेरी इन. अगेन हाई वेस्टेड है, यू कैन पेयर दिस अप लाइक अ बिग बकल बेल्ट एंड विद नाइस हील्स, एंड दिस विल गिव अ वेरी वेरी नाइस लुक. तो ऐसी टाइप की स्कर्ट्स भी बहुत जरूरी है जिसको आप बकल अप कर सकते हो. सो अगर आप ऐसी कुछ स्कर्ट पहनना चाहते हो डिनर डेट के लिए या बाहर जा रहे हो हैव डिनर और वट एवर, सो यू कैन वेयर लाइक अ नाइस बकल बेल्ट ऑन टॉप ऑफ दिस एंड वेयर नाइस स्टिलेटो हील्स एंड ओ माई गॉड इट विल लुक सो नाइस. आई एम प्रोमिसिंग यू कि इस टाइप की प्लीटेड प्रिंटेड प्लीटेड बोल्ड कलर स्कर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव इन योर वार्डरोब. इस सेक्शन से मैं ये वाली स्कर्ट भी दिखा दूंगी जो H&M की है, एंड अगेन प्लीटेड टाइप का इसका फैब्रिक है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है स्कर्ट्स में. एंड लुक एट दिस, इट लुक सो नाइस, समरी, इजी ब्रीजी. अभी तक आपने कोई भी ऐसी स्कर्ट नहीं देखी होगी मेरे कलेक्शन में दैट्स लाइक टाइट फिटेड एंड आई कांट ब्रीथ, बिकॉज आई बिलीव कि स्कर्ट्स ना उस जमाने में वो टाइट फिटिंग वाली बहुत अच्छी लगती थी, बट नाउ लाइक एटलीस्ट माई स्टाइल इज मेल इज डेफिनेटली कम्फर्ट. तो आई लाइक टू बाई स्टफ दैट्स ईजी, यू कैन मूव अराउंड, यू कैन प्ले अराउंड, वट एवर यू वॉन्ट टू डू. इसे आई एम शोइंग यू ऑप्शन दैट आर कम्फर्टेबल एंड आप लोग भी उसको पहन सकते हो. दिस वुड बी लाइक आई वुड से टाइट, ठीक है, मतलब इवन दो इट्स नॉट टाइट, मैं आराम से इसमें बैठ सकती हूँ, कूद सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ. बट इस टाइप की स्कर्ट्स हैं बहुत अच्छी होती हैं. आप इसको ड्रेस अप कर सकते हो, आप उसको ड्रेस डाउन भी कर सकते हो. ओके, एंड अनदर वन ऑफ माय फेवरेट्स इज दिस वन, पोल्का डॉट मेश स्कर्ट है ये फ्रॉम H&M. अगेन इतनी प्रिटी और सुंदर स्कर्ट है ये. आप लोगों को ऑलरेडी पता है मैंने अपने बहुत वीडियोस में ये स्कर्ट पहनी हुई है. बहुत 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 अच्छी समरी, परफेक्ट फॉर समर काइंड ऑफ ओकेजन के लिए ये स्कर्ट बहुत अच्छी है. अबाउट H&M एंड स्कर्ट्स, ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप H&M की साइट पे जाओगे एंड यू सर्च स्कर्ट्स, दे हैव zillions of options, मतलब इतने सारे options हैं skirts के कि you will be surprised, you will be like why did I not look at this before, ठीक है. So please don't forget to check out H&M skirts options. Now lastly I want to talk about this skirt which is my least favorite skirt, only because like I said again, इसका जो length है is not an ideal length for my height. मुझे ऐसी टाइप की मिड लेंथ पसंद नहीं है, तो एंकल पे हो या फिर एंकल से थोड़ा 1 inch ऊपर हो या फिर यू नो इस लेंथ की हो. दिस इज अगेन समवेयर इन द मिडल, और ये मैंने शीन से ली थी एंड दिस इज अ लिटिल लूज फॉर मी फॉर द टाइप ऑफ फिटिंग दिस इज, बिकॉज ये है पेंसिल स्कर्ट, ठीक है. पेंसिल स्कर्ट इज सपोज टू बी टाइट फिटेड बट दिस इज नॉट टाइट फिटेड एट ऑल, ठीक है. बट दिस इज ऑल्सो अ वेरी प्रिटी डिजाइन, ठीक है. आई लाइक दिस डिजाइन. तो मैंने सोचा है कि मैं इसकी जो है लेंथ, आई विल टेक इट अप, थोड़ी सी मैं इसकी लेंथ कटवा दूंगी, बिकॉज एनी वेज ये पेंसिल स्कर्ट की लुक तो देती नहीं है, इट गिव्स लाइक अ नॉर्मल स्कर्ट की लुक. सो आई जस्ट चॉप इट ऑफ एंड मेक इट लाइक शॉर्टर एंड देन आई कैन वेयर दिस स्कर्ट इजिली, यू नो, वेर एवर आई वॉन्ट टू. स्कर्ट्स में इन्वेस्ट करोगे तो आप आई कैन वेयर दिस एज अ स्कर्ट एंड यू कैन वेयर दिस एज अ ड्रेस. एंड इन फैक्ट आई विल शो यू, हाँ अब ये मुझे टाइट ही हो गई, हैप्पी, ये पेंसिल स्कर्ट की लुक दे रही है मुझे अब. सो या दिस इज नाइस. सो दिस एज अ स्कर्ट, अगर आपने देख लिया कि मैंने इसको स्कर्ट पहना हुआ है, अगर मुझे इसको ड्रेस बनाना है आई कैन ईजिली पुल अप द थिंग, ठीक है. एंड दिस इज अ ड्रेस नाउ. सो यू गैस कैन गेट दी आइडिया, अगर आप स्कर्ट्स में इन्वेस्ट करोगे तो आप उसको ड्रेस की तरह भी पहन सकते हो, स्कर्ट्स की तरह तो आप पहन ही सकते हो. तो आई मीन इट्स सच अ विन विन सिचुएशन, राइट. सो गैस दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज माई स्मॉल मिनी कलेक्शन, स्कर्ट्स का कलेक्शन है. बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ स्कर्ट्स पहनने के लिए और कलेक्ट करने के लिए, बिकॉज आई जस्ट फील इट्स सच अ वर्सेटाइल पीस इन योर वार्डरोब. एंड इफ यू आर समवन हु इज यू नो थिंकिंग अबाउट बिल्डिंग देयर वार्डरोब, सो प्लीज कंसिडर बाइंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्कर्ट्स, बिकॉज लिटरली दिस विल बी अ पीस दैट यू विल कीप ग्रैबिंग अगैन एंड अगैन, बिकॉज आई डू दैट अ लॉट. मतलब जब भी मुझे समझ नहीं आ रहा होता ना मैं क्या पहनूँ, आई लिटरली जस्ट टेक आउट अ स्कर्ट एंड जस्ट पेयर इट अप विद लाइक अ नॉर्मल टैंक टॉप एंड आई नाइस एक्सेसराइज इट विद नाइस हैंड बैग एंड लिटरली द लुक इज सो गुड. So I hope you guys enjoyed this video and I hope this video was helpful. If it was, don't forget to subscribe, like and also keep those positive comments coming, because literally it
helps me keep making these videos. आज मेरा video बनाने का honestly बिल्कुल भी मन नहीं था because I was like क्या फायदा है, like I'm only going to get like those 50 या 100 likes, 50-100 views मिलेंगे, क्या फायदा है, I'm just giving up. But you know when I read your comments and stuff like that, तो मुझे बहुत अच्छा लगा and I feel like people are actually watching me and so yeah, I'm gonna keep making videos because there is an audience that is watching the videos. So it literally makes me very happy. So thank you so much for watching this video and I'll see you guys in my next one. Bye!